मोरी जो आपको भी सिखाई है, ये मानते बात है इसका प्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो लगभग कैसे होना चाहिए, इसलिए परफॉर्मेंस भी रखना जरूरी होता है। रिसोर्स पर्सन का परफॉर्मेंस भी जरूरी होता है कि आप उसमें कैसे लेके जाएंगे और क्या कर सकते हैं। आंखी न भरत गुलाल रसिया ना माने रे, मतलब उसको लगाना ही लगाना है। आपस में बात नहीं करिएगा प्लीज, मैं थोड़ा सा क्योंकि आप दो ही आप जितने हैं उतने मेरे तरफ रहने चाहिए, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नाम को भी राजा बनाते हैं। नाम को भी राजा बनाते हैं। ये है पारस मान। पारस समान बना
छतवारों को छोड़कर ही बना भारत को राजाओं का राज गया राजाओं का राज चला गया तोड़ कर बना भारत लोक पावर तुम्हारे हाथ में से एक बैठक होती है बनारस में, तो उसमें हम लोग खास करके बनारस की शैली है। अब तो गुलाबबाड़ी दिल्ली में भी होती है, कानपुर में भी होती है, कानपुर में भी कई बार हो चुकी है। तो उसमें गुलाब की महक, गुलाबी रंग या सफेद रंग, ये सब जितने युवतियां और युवा, मतलब हम कोई भी हो, अगर हम उनको युवा युवतियां कहते हैं, बुढ़े हो चाहे
कोई भी, तो वो लोग युवा और युवतियां सारे एक ही रंग में रंगे होते हैं और वो है गुलाबी रंग, और वो चैत में, तो चैत चैत मास बेटा, चैत मास चुनरी रंगाई दे, चुनरी रंगाई बे हो रामा। अब इसमें हो रामा जरूर आता है, आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं हो रामा, तो ये एक चीज है। आगे बैठ जाइए सभी, मेरे लिए 100-100 के बराबर है। स्केल नहीं बदलूंगी, इसी स्केल पे आपको चलो है। होली नहीं खेल पाई, तब वो चैत में कहती है मैं चलो चैत में ही रंगा लेती हूँ चुनरी पिया, क्योंकि अब चैत में आ रहे हैं तो क्या करूँ, अब इसी समय ठीक कोई बात नहीं, तो रंग की बातें चैत में कम मिलती हैं इसमें है।
तो ये परफॉर्मेंस का आखिरी है। रंग डारूंगी 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 डारूंगी।
धर्म सराबुर पैसा कर बन बैठा I'm
एक मिनट मैडम, एक मिनट आप और तैयारी कर लीजिए जरा, मैं एक तैयारी कर लूँ। देखें शायद वीसी साहब जुड़ेंगे, मैडम बता रही मोबाइल लो। Oh!
फोन आएगा तब बता पाऊंगी, अभी मुझे अभी आ रहे नहीं, अभी नहीं ज्यादा हो गया शिवाजी जब आप यस बोलेंगे तब मुझे सामने सेंटर में आ जाइए, सेंटर में, सेंटर में इसके बगल वही बता रहा हूँ, सामने नहीं देखेंगे तो कुछ ताजी वजीब द्रुपद अच्छा, हम अपने जज से एक बार आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछिए या बाद में पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तो अभी एक बार जज से शुरू करते हैं, मैं तो बैठी हूं, आप तो आए थे और आपको रहने दो, मैं मैसेज चाहिए तो आपको मैंने समाज की पूरी बताई थी काम जो आज आपको वन बाई वन करना है आवश्यकमान Thank you.
आप लोग बाद में करना चाहेंगे आप लोग पहले करती हूँ और सर से निवेदन है क्योंकि ये कार्यशाला सर के ही आदेशानुसार और रोनी के मार्गदर्शन में संपन्न हो पा रही है और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और सभी प्रतिभागी इससे जुड़े हैं। तो मानिए सर से निवेदन है कि दो शब्द कुछ इन प्रतिभागियों के लिए और इस कार्यशाला के लिए अगर बोलेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। ये सभी सर के शब्दों से लाभान्वित हो। सर सुन पा रहे हैं? हेलो नितिन जी,
आफ्टर शिवाजी प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा सर एक बार तुम बोल के जरा सा आवाज टेस्ट करा दो अगर आवाज आ रही आवाज आ रही एक मिनट आवाज आई हेलो हेलो थोड़ा काम लग रहा था वो सिस्टम सा तैयार कर लिया था साइकिल चला लेते हो हेलो हेलो हाँ रुक जाइए लाइट स्क्वाड चीजें करें लाइट यह पक्का उससे जो भाई आप सही भी बोल रहे हैं उसके लिए भाई पक्का भी नहीं भाई उसकी रिपोर्ट आपको तो नहीं मेरे साथ मैं तो कुछ पर एविडेंस नहीं लेता क्योंकि लाइट स्क्वाड की टीचर क्या करता है आपको ही पता नहीं आप अपने मास्क पहनते वो कहाँ गया उसे तो वो खुलवाना था तो खुलवा दीजिए इसमें एक यूपीएस सिस्टम और लगवा दीजिए कुछ गलती के कारण की वजह से अभी सर हम लोगों से नहीं जुड़ पाए थोड़ी देर में हम उनको संबोधित करेंगे तब तक हम अपने जत्थेदार में जैसे थे
Thank you.
जाल नहीं पकड़ पाएंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं, बिना जाल के तो नहीं आएंगे ना। Next.
केक्स वाले में आजा थोड़ा मैम वॉल्यूम अप करो आ रही है आवाज माननीय सर की प्रेरणा से ही हम लोग ये कार्यशाला करने में सक्षम रहे हैं और निरंतर रूप से सर हमारी प्रेरणा शोध रहे हैं जब से मैडम आपको बहुत बहुत बधाई है कार्यशाला की और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद और सारे कलाकारों को भी मेरा सम्मान कहिएगा और विश्वविद्यालय उनको सम्मानित करेगा और गौरवान्वित होगा ऐसी वर्कशॉप आप आगे कराते रहे आपको बहुत बहुत बधाई जैसा कि कार्यशाला समापन की ओर है तो अभी हम हमारे रिसोर्स पर्सन मैडम डॉक्टर शालिनी देव त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने पूरे 7 दिन कार्यशाला ली है और बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है हमारे साथ में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न विश्वविद्यालयों से हरियाणा से पूना से दरभंगा से और PHU से बनारस से बहुत सारे शिक्षक गण शोधार्थी और विद्यार्थी जुड़े रहे और सभी ने अपना पंजीकरण करवाया तो ये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और सभी प्रतिभागियों के सहयोग से और हमारे रिसोर्स पर्सन के महान प्रयासों से बहुत ही सुंदर रूप से सफलता को प्राप्त हुई है अपने गंतव्य को प्राप्त हुई है मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से हमारे VC सर और हमारे रिसोर्स पर्सन मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग दिया और सर के मार्गदर्शन से कार्यशाला संपन्न हुई और निश्चित रूप से सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है और आज जैसा कि कार्यशाला में आप लोगों ने देखा भी कि सब गा रहे थे ट्रेनिंग प्रॉपर हो गई है इनकी आप ये प्रेजेंटेशन भी देने के लिए तैयार हैं अब ये सब मैम के ही प्रयासों का फल है कहते ना कि
फल मीठा होता है, जैसे प्रयास किए जाते हैं तो उसका फल मीठा ही मिलता है। आप सभी को अच्छा लगा हो तो बच्चों एक तालियां मार के इसका बधाई दीजिए। और चूंकि ये पाठ्यक्रम का कार्य था, कार्यशाला में आपने वही सीखा जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपका पाठ्यक्रम की भी पूर्ति हुई है और आपने लर्निंग प्रोसेस में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है और वो चीजें सीखी जो होरी निकट है, वो चीजें इसमें आपने सीखी। तो अब आप होरी का एक कार्यक्रम करेंगे मिलजुल के सारे बच्चे, उसमें नाम आपका सहयोग करेंगे। तो साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद संगीत विभाग का, बहुत यहाँ पर सी एस जे और संयोग जी का, डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी का बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद मैडम, आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ मेरे यहाँ के इस कार्य को संपन्न कर। बहुत धन्यवाद। हमारे संगीतकार श्री राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ संगीतज्ञ हैं कानपुर के, जो होती है ये सब एक टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क के उसमें आप लोग जब तक टीम नहीं आपकी होती है तब तक आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक टीम वर्क है जो आपके सामने आज गंतव्य को प्राप्त हुआ है। मैं अपनी बहन जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो यहाँ सामने आए। और श्री शुभम वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों के लिए खड़े विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फोटोग्राफी के लिए और बुलेटिन के लिए सब जुड़े रहे श्री योगेंद्र पांडे जी और श्री विशाल शर्मा जी, उनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। बुलेटिन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, बच्चों उनके लिए तालियां बजाइए। हमारा जो जूम मीटिंग ऑनलाइन हुई है उसके लिए संदेश सर के लिए, संदेश गुप्ता सर ने बहुत सहयोग किया, शिवाजी हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे। मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों के लिए भी तालियां बजाएं और ये जो ये पूरा एक परिवार है और जैसा भी कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है ये पूरा यूनिवर्सिटी का एक समन्वित प्रयास था और आप सभी को मैं पुनः पुनः सभी को धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे हमारे होटल मैनेजमेंट से शिवांशु जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। वो निश्चित रूप से हमें जलपान की पूर्ति समय से करवाते रहे हैं, उनका नाम न छूट जाए, उनका भी बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के जो भी सहयोगी रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी रहे इस कार्यशाला में, 7 दिनों की कार्यशाला में बहुत बड़ा कार्य होता है 7 दिनों का, तो उसमें जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, अगर किसी का नाम मुझसे त्रुटि व छूट रहा है तो उस त्रुटि के लिए क्षमा करें। सभी को मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और रजिस्ट्रार सर ने भी हमें समय दिया था, बीसी सर ने भी समय दिया ऑनलाइन जुड़ के। रजिस्ट्रार सर हमारे यहाँ सेकेंड लास्ट डे में आए थे सैटरडे को 19th of February को, और आज सुबह हमारे यहाँ ओपनिंग सेशन में
डॉक्टर वंदना मैडम आई थी, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया था। वंदना मैडम आई और हमारे प्यासों को की सराहना की, तो उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत आप नहीं बोलेंगे और